हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशीष। आज की वीडियो में अपना फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, हम इसमें लॉज पढ़ेंगे मोशन के और फोर्सेज पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्स। अब पुश और पुल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी बॉडी पर पुश करना और किसी बॉडी को पुल करना है वो क्या होता है? फोर्स होता है। पुश मतलब किसी बॉडी को धक्का देना और पुल मतलब किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचना। पुश एंड पुल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, फोर्स कैन बी यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ लाइक पुशिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड पेस्टरिंग। फोर्स को हम एवरीडे लाइफ में हम यूज करते हैं, जैसे पुशिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेशरिंग। इन तरीके से हम फोर्स को यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आ फोर्स इज यूज टू किक अ फुटबॉल। एग्जाम्पल क्या है? हम जब फुटबॉल है वो अपने आप तो चलना शुरू नहीं करेगी, जब हम उसे अपनी लेग्स जब हम उसे पुश करेंगे तभी तो वो चलना शुरू करेगी। मतलब जब से हम उसकी किक करेंगे तो उसके अंदर क्या होगी? फोर्स लगेगी। हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो चलना शुरू होगी। तो सेकंड है फोर्स इज यूज व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर बैंड। रबर बैंड ने अपने आप तो स्ट्रेच बन जाएगा, हम उसके दोनों एंड्स पर पकड़ कर उस पर फोर्स लगाएंगे तब जाकर वो स्ट्रेच होगा। तो ये इसी एग्जाम्पल है। अब आता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब फोर्स के इफेक्ट, ठीक है, अब फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स को हम देख नहीं सकते। ठीक है, अब फोर्स कैन बी जज ओनली बाय द इफेक्ट्स व्हिच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज अराउंड अस। फर्स्ट इफेक्ट आता है हमारा, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो होता है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, लाइक अ फुटबॉल इन द ग्राउंड। अब एग्जाम्पल को समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको। अब ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर फुटबॉल रखी हुई है, फुटबॉल रखी हुई है सिर्फ और सिर्फ, उस पर हम लोग कोई फोर्स नहीं लगाया। जब हम उसे किक करेंगे तो वो चलना शुरू करेगी। ठीक है, चलना शुरू करेगी तो क्या हुआ इफेक्ट? फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। हमने उसमें किक किया, फोर्स लगाया तो वो चलना शुरू हुई, मतलब मूव करना शुरू हुई। तो पहला एग्जांपल आपका क्लियर हो गया होगा, आई थिंक। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकंड आता है, आ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स जो होता है वो मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल है आपका स्टॉप अ कार। अब कार चल रही है, हमने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया तो फोर्स लगाएगी कार ब्रेक्स पर। ब्रेक्स जब हम अप्लाई करेंगे तो वो कार पर फोर्स आएंगे, जिसकी वजह से जो उसके व्हील्स होंगे वो रुक जाएंगे वहीं पर। तो सेकंड एग्जांपल आपका आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। और हम फुटबॉल से भी समझ लेते हैं, फुटबॉल मूव कर रही है, हमने उस पर हमने उसको रोक दिया, फोर्स लगाया उसके ऊपर तो उतनी यहाँ पर स्टॉप हो गई। थर्ड आया, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स जो होता है वो मूविंग बॉडी की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल है मूविंग अ बाईसाइकिल। अब बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल को हमने पुश किया, हमने उस पर धक्का लगाया तो बाईसाइकिल की जो स्पीड होगी वो चलना तेजी से तेज चलेगी। और जब हम उसको पुल करेंगे मतलब पीछे की तरफ खींचेंगे तो वो पुश करेंगे तब वो इसकी जो स्पीड होगी वो डिक्रीज होगी। तो एग्जांपल क्या है? फोर्स कैन चेंज द स्पीड। पुश किया तो स्पीड बढ़ी और पुल किया तो स्पीड कम हुई। तो थर्ड एग्जांपल क्या था? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। जब हम फोर्स लगाएंगे रैकेट से उस पर मारेंगे तो कभी इधर लगेगी, कभी उसके एंड पर लगेगी, दूसरे एंड पर लगेगी, तो डायरेक्शन क्या होगी उसकी? चेंज होती रहेगी ना। तो वही चीज है। अब फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, अब जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो उसकी शेप और साइज को चेंज कर देते हैं। जैसे स्प्रिंग है, उसके दोनों एंड्स को हमने पकड़ा, स्ट्रेच किया बहुत। अब स्ट्रेच किया, हमने उसको पहली बार छोड़ दिया तो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाइए, फिर स्ट्रेच किया तो उसके अंदर कुछ तो चेंज आएगा ना, धीमे धीमे करके कुछ तो चेंज आएगा। जब आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपने हमेशा आज तक कभी ना कभी किया ही होगा, जब आप उसको करते रहोगे करते जाओगे तो वो एकदम कुछ, जब आप उसको बहुत करोगे तो वो एकदम तार बन जाता है स्ट्रेट, क्योंकि आप उसकी जो वो होती है लास्ट रेडी वो खत्म होती जाती है। तो वही चीज है, जैसे हम शेप और साइज को उसको चेंज करते हैं। क्या है? द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। उसमें जब भी हम जितने भी फोर्सेस लगाते हैं उसका रिजल्टेंट क्या होता है? जीरो। उसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस। मीन्स आप कोई बॉक्स है वो रखा हुआ है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर से फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे से लगाई और एक ऊपर से, चारों तरफ से फोर्स लगेगा तो वो उसके जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। बैलेंस, इसको हम कहते हैं बैलेंस फोर्सेस, क्योंकि जो ऊपर वाला होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कैंसिल कर देगा और जो साइड वाला होगा वो इस वाली साइड को कैंसिल कर देगा, जिसकी वजह से वो होता है बैलेंस फोर्सेस। इफ द नंबर ऑफ बैलेंस फोर्सेज एक्ट ऑन अ स्टेशनरी बॉडी, द बॉडी कंटिन्यूज टू रिमेन इन इट्स स्टेशनरी पोजिशन। हम जितने बैलेंस फोर्सेज लगा लें स्टेशनरी बॉडी पर, वो बॉडी अपने स्टेशनरी पोजिशन में ही रहती है। हमारा बैलेंस फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस यूनिफॉर्म मोशन से है तो जो बॉडी किसमें रहेगी? यूनिफॉर्म मोशन में। तो बैलेंस फोर्सेज कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन।
जो बैलेंस फोर्सेस होते हैं वो मोशन प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि उसकी जो स्टेट होती है, वो जगह होती है, वो चेंज नहीं होती, पोजीशन चेंज नहीं होती। एंड और बॉडी और स्टॉप, और बॉडी को स्टॉप भी नहीं कर सकते, रोक भी नहीं सकते, ठीक है। और मूविंग बॉडी चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हैं। शेप को चेंज कैसे कर देते हैं, जैसे बलून है, कोई बलून है, अब बलून हमने लिया हुआ है, हम उसे हाथों से प्रेस करेंगे, अब उसे हमने ऐसा प्रेस कर दिया तो वो लंबा लंबा हो जाएगा, ऐसा प्रेस कर दिया तो वो इधर की साइड हो जाएगा स्क्वायर टेप में, और वो वैसे उसकी पोजिशन होगी सर्कल। तो हम फोर्स लगाकर उसकी शेप एंड साइज को चेंज, शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा अनबैलेंस फोर्सेस। अब आता है हमारा अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेस क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, जो उसका रिजल्टेंट होता है उसकी बॉडी पर जो फोर्स हो रहे हैं वो जीरो नहीं होता, उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्सेस में क्या होता है, रिजल्टेंट जो होता था वो जीरो होता था। अनबैलेंस फोर्सेस कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और दे कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, वो स्टेशनरी बॉडी को मूव भी करा सकते हैं और वो स्टॉप भी कर सकते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस। बट आता है हमारा, टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश इट विद अ फोर्स ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। अब हमें किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, उसको पुश करना पड़ेगा, तभी तो वो मूव करना शुरू होगा। अब अगर उतनी इक्वल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में लगा दी उतनी इक्वल, और हमने भी उतनी इक्वल लगाई, तो वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। अब हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, जब जाकर वो मूव करना शुरू करता है। व्हेन द अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी, जब हम अनबैलेंस फोर्स उस पर बॉडी पर लगेगा तो बॉडी इसमें आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। एन अनबैलेंस फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, अनबैलेंस फोर्स जो होती है वो मूविंग बॉडी को स्टॉप भी कर सकता है। व्हेन वी टेक अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी यूजुअली मींस, अगर कोई फोर्स लग रहा है बॉडी पर तो उसका मतलब क्या होगा, वो अनबैलेंस फोर्स है। अब आता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने क्या क्या लॉज दिए थे, न्यूटन हैज गिवन थ्री लॉज ऑफ टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडीज। न्यूटन ने तीन लॉ दिए थे बॉडी को मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। दिस लॉज आर नोन एज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इन लॉज को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सबसे अब न्यूटन ने तीन लॉ दिए थे, सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज कंप्लीटेड बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इन स्टेट ऑफ अ बॉडी और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। पहला पॉइंट क्या था, अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगी, और कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करती रहेगी, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करेगी, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ रिकॉग्नाइज दैट एवरी बॉडी हैज सम इनर्शिया। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ था, उसने बताया कि हर बॉडी के पास एक इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट्स अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेडर। अगर किसी बॉडी का ग्रेटर इनर्शिया, ज़्यादा इनर्शिया है, तो हमें उस पर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ज़्यादा फोर्स क्यों लगानी पड़ेगी, उसको रेस्ट पोजिशन से उसको मूव कराने के लिए। किसी बॉडी के पास ज़्यादा इनर्शिया है तो उसको ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए, ठीक है। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। हैवियर ऑब्जेक्ट है मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट। हैवियर ऑब्जेक्ट के पास ज़्यादा इनर्शिया होता है लाइटर ऑब्जेक्ट से। मीन्स कैसे, अगर हमारे पास दो कारें हैं, एक है टॉय कार जो बच्चों की होती है छोटी वाली प्लास्टिक की इतनी सी, और एक है रियल कार जो काफ़ी बड़ी होती है। अब आप एक चीज़ बताओ, जो टॉय कार होगी उसको मूव कराना ईजी होगा, या जो हैवी कार होगी, जो रियल कार होगी उसको, टॉय कार को कराना ईजी होगा ना, बिकॉज वो हैवी वेट नहीं है, वो लो उसका वेट है तो उसके पास लो इनर्शिया होगा, और जो जो बड़ी है उसके पास हाई वेट है तो उसका हाई एनर्जिया होगा, तो लो वाली को इजी। तो वही चीज़ आ जाती है यहाँ पर, हैवियर ऑब्जेक्ट है मोर एनर्जिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट। छोटी वाली कार को कराना इजी और बड़ी वाली को थोड़ा मुश्किल। एनर्जिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास। एनर्जिया जो होता है बॉडी का वो उसके मास पर डिपेंड करता है। वही चीज़ आ गई, मास मतलब जितनी बड़ा उतना ज़्यादा एनर्जिया, जितना छोटा उतना कम एनर्जिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो समटाइम्स गैलियो लॉ ऑफ इनर्जिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, उसको हम कई बार गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंट, अब इसको इनर्शिया के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, ग्लास टम्बलर है ना, कॉइन, ग्लास टम्बलर का और कॉइन का एक्सपेरिमेंट कैसे किया, देखिए ग्लास टम्बलर था, ग्लास टम्बलर के ऊपर हमने एक कार्ड रखा, कार्ड के ऊपर हमने एक कॉइन रखा। ग्लास टम्बलर था वो अपनी रेस्ट में था, कार्ड भी रेस्ट में और कॉइन भी रेस्ट में, रेस्ट की पोजिशन में थे वो। अब जब हम जो आप मान लो एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर कार्ड है, कार्ड के ऊपर कॉइन है, अब जब हम कार्ड की तरफ ऐसे स्ट्राइक करेंगे, जब उसको अपनी फिंगर से जब हम कार्ड को स्ट्राइक करेंगे तो
तो वो जो कॉइन जो होगा वो नीचे आ जाएगा ग्लास के अंदर। ग्लास के अंदर क्यों आ जाएगा? जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे उस पर जो हमारा कार्ड था उस पर, तो कार्ड के ऊपर फोर्स लगेगा वो मोशन में आएगा, बट कॉइन के ऊपर तो कोई फोर्स लगा नहीं, वो अपनी रेस्ट पोजिशन में रहा, तो वो रेस्ट पोजिशन में रहेगा इसलिए वो इधर से वो नीचे आ जाएगा। इनर्शिया फैक्टर, कार्ड पर फोर्स लगा जिसकी वजह से मूविंग पोजिशन में चला गया और कॉइन अपनी रेस्ट पोजिशन में रहा और नीचे आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, पहला आता है मैंने हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद द स्ट्रिप द डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट। हमने कारपेट को जब हम स्टिक से मारना शुरू करते हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल बाहर के सामने लग जाते हैं, ये इनर्शिया की वजह से होता है। इनर्शिया की वजह से कैसे होता है? कारपेट है, कारपेट पर जब हमने स्टिक मारी तो वो पीछे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ आएगा, तो वो मूव करना शुरू करेगा डस्ट पार्टिकल जो थे, और अपनी रेस्ट पोजिशन जब हम मूव करना शुरू करेंगे तो कारपेट से सेपरेट होना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो बाहर आना शुरू कर देंगे कारपेट में से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन अ ट्री इज शेकन विगरसली द फ्रूट्स एंड लीव्स फॉल डाउन। ट्री को जब हम हिलाना शुरू करेंगे तो जो फ्रूट्स और लीव होंगे वो अपनी रेस्ट पोजिशन में होंगे, जब उसको हिलाना शुरू करेंगे तो वो मोशन में आएंगे, तो वो ट्री से सेपरेट हो जाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल, व्हेन अ कार और बस स्टार्ट सडनली पैसेंजर फॉल बैकवर्ड। जब कार और बस, आप जब भी कार या बस में आप बैठे होंगे तो जब स्टार्ट होती है तो हम बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ चले जाते हैं। पीछे की तरफ कैसे चले जाते हैं? जो पैसेंजर जो होते हैं वो रेस्ट पोजिशन में होते हैं, कार जो होती है वो स्टार्ट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हम बैकवर्ड आ जाते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, वे ना मूविंग कार स्टॉप, और जब वो स्टॉप करती है तो हम आगे की तरफ जाते हैं। आप कभी आपने आपको याद भी आ रहा होगा, जब हम स्टॉप करती है तो हम आगे की तरफ जाते हैं। आगे की तरफ कैसे जाते हैं? वो कार और पैसेंजर दोनों मोशन में होते हैं, जब वो स्टॉप करती है तो पैसेंजर जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, जब कार स्टॉप करती है जिसकी वजह से हम उसको फॉरवर्ड आगे चले जाते हैं। डेंजरस टू जंप आउट ऑफ मूविंग बस। डेंजरस क्यों है? ये भी सेम आ जाएगा आपके इनर्शिया का। अब आता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमने पीछे वाले में पढ़ा भी था न्यूटन फर्स्ट लॉ में फोर्स में कि वो स्ट्रेट लाइन में होती है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ये है ना प्रोडक्ट एम इंटू वी, तो होता है प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी का। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। जो फोर्स हमें चाहिए होती है मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, जिसमें पी जो होता है वो मोमेंटम होता है, एम जो होता है वो मास होता है, वी जो होता है वो डिनोट करता है वेलोसिटी। पी इक्वल्स टू एम क्रॉस वी, मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है आपको पी इक्वल्स टू एम क्रॉस वी। ओके, अब आता है इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पर है इट्स वेलोसिटी इज जीरो, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी क्योंकि मूव ही नहीं कर रही, तो हेंस इट्स मोमेंटम आल्सो जीरो। मोमेंटम आल्सो जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी अगर हम यहाँ जीरो पुट करेंगे तो एम इंटू जीरो जीरो होता है, तो मोमेंटम आल्सो जीरो। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिकॉज उसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। ऐसा यूनिट क्या होती है मोमेंटम की? मास की होती है किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है? मास और बॉडी की वेलोसिटी पर। सो अ बॉडी विल हैव अ लार्जर मोमेंटम। बॉडी का लार्जर मोमेंटम कब होता है? जब उसका मास लार्जर हो, या फिर उसकी वेलोसिटी लार्जर हो, या फिर मास और वेलोसिटी दोनों लार्जर। एक एग्जांपल आता है, कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स और अ स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो ऑन हिज हैंड्स। कराटे प्लेयर एक लंबी एक 24 से 25 पाइल्स की उसको कैसे ब्रेक कर देता है अपने हाथ से? उसको ब्रेक कैसे कर देता है? मीन्स पाइल्स हैं आपके या स्लैब ऑफ आइस है, उससे हाथ से अपने बहुत फास्टली मारता है, जिसके हाथ पे उसकी क्या होता है? बहुत लार्जर मोमेंटम होता है। जब वो मारता है तो बहुत शॉर्ट टाइम में जो मोमेंटम होता है वो रिड्यूस कर जाता है जीरो में, जिसकी वजह से उसके ऊपर हाई फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से पाइल होती हैं वो ब्रेक होना, जिसकी वजह से पाइल्स होती है वो ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, रोड एक्सीडेंट एट हायर स्पीड आर वेरी मच वर्स देन एक्सीडेंट एट लो स्पीड। रोड एक्सीडेंट हायर स्पीड पर ज़्यादा होते हैं और लो स्पीड पर कम होते हैं। क्यों होते हैं? हायर स्पीड होगी तो गाड़ी जो होती है उसका हायर मास होगा, हायर मास होगा, हायर स्पीड होगी तो उसकी लार्जर जो होगी मोमेंटम होगी, ठीक है, वो पर्सन को इजीली हट कर पाए क्योंकि लार्जर मोमेंटम हमने तीन फैक्टर पढ़े थे, और लो पर जो होगा उसकी लो मोमेंटम होगी। क्वेश्चन आता है हमारे मोमेंटम का, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन? मैन की मोमेंटम क्या होगी? जो उसका मास है 75 किलोग्राम और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड की से, तो उसकी हमें मोमेंटम निकालना है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? P equals to m cross v, जिसमें P था मोमेंटम, m था मास और v थी वेलोसिटी।
मास हमें कितना दिया हुआ है 75 किलोग्राम और वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑन अप्लाइंग फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम तो पी इक्वल्स टू एम क्रॉस वी इक्वल्स टू 75 इंटू 2 तो 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आंसर। ये हो जाएगा आपको 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक चीज आप याद रखिए, जो न्यू आपका पैटर्न आया उसके हिसाब से एमसीक्यूज आएंगे आपके फर्स्ट टर्म में, बट अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आपको एमसीक्यू समझ नहीं आएंगे अच्छे से, आप उसको अच्छे से कर नहीं पाओगे क्योंकि उसमें एक एक फैक्टर जो आ जाता है उसके अंदर आप कन्फ्यूज हो जाओगे, जिसकी वजह से आपको चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। और लाइक माई एक्सप्लेनेशन, अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।